नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोमोजी शाह और आप देख रहे हैं सोमोजी टेक्निकल यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं टेक्निकल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज के इस वीडियो में भी बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूज़ है, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और हम बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज़ की तरफ और शुरू करते हैं हमारे आज का टेक न्यूज़ का एपिसोड। हमारा से फर्स्ट न्यूज़ है रियलमी की तरफ से। रियलमी ने उनके सी सीरीज़ का एक नया स्मार्टफोन रियलमी C15 को इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया है। और ये जो स्मार्टफोन है, ये इंडोनेशिया में टोटल 3 वेरियंट्स में लॉन्च हुआ है। एक है 3GB प्लस 64GB, जिसका इंडोनेशिया का प्राइस अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो अराउंड 10,300 रुपीज़ पड़ता है। दूसरा है 4GB प्लस 64GB, जिसका इंडोनेशिया का प्राइस अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो अराउंड 11,300 रुपीज़ पड़ता है। और तीसरा है 4GB प्लस 128GB, जिसका इंडोनेशिया का प्राइस अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो अराउंड 12,800 रुपीज़ पड़ता है। लेकिन इस स्मार्टफोन के इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी को लेकर रियलमी ने अभी तक कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं किया है। इसके अलावा स्मार्टफोन में आप लोगों को एंड्रॉयड 10 बेस्ड रियलमी UI का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को मारिन ब्लू और सीगल सिल्वर, ये दोनों कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रियलमी C15 में आप लोगों को 6.5 इंचेस का एक HD+ का वाटर ऑफ नॉजल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसके डिस्प्ले में आप लोगों को 720x1600 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है। उसके साथ 420 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को 88.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को अप टू 4GB तक का रैम ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप लोगों को LPDDR4X वाला रैम टाइप मिलता है। और इसमें आप लोगों को अप टू 128GB तक का इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को बैक साइड में 13+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को 6000mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, विथ 80W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वाया माइक्रो USB पोर्ट। और इसमें आप लोगों को फेस अनलॉक के साथ साथ रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। तो जब भी फ्यूचर में रियलमी C15 का इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी को लेके या फिर इंडिया लॉन्च को लेके कोई और डिटेल्स निकल का आएगा, मैं अपडेट उसमें आप लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा। मेरा सेकंड न्यूज़ है वीवो की तरफ से। वीवो का जो V19 है, इसका भी इंडिया में प्राइस अप टू 4000 रुपीज़ तक घट चुका है। यानी जो वीवो का V19 है, इसका जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है, इसका अभी तक इंडिया में प्राइस था 27,990 रुपीज़। लेकिन अभी का इसका नया प्राइस है 24,990 रुपीज़। यानी कि इस वेरियंट में आप लोगों को टोटल 3,000 रुपीज़ का प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो वीवो V19 का 8GB प्लस 256GB वाला वेरियंट है, इसका अभी तक इंडिया में प्राइस था 31,990 रुपीज़। लेकिन अभी का इसका नया प्राइस है 27,990 रुपीज़। यानी कि इस वाले वेरियंट में आप लोगों को टोटल 4,000 रुपीज़ का प्राइस कार्ड देखने को मिल रहा है। और अगर आप अभी जाके अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर वीवो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके चेक करते तो आपको वीवो V19 का ये नया प्राइस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आप लोगों को एंड्रॉयड 10 बेस्ड फनटच OS का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को ब्लैक और सिल्वर, ये दोनों कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ वीवो V19 में आप लोगों को 6.44 इंचेस का फुल HD+ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसके डिस्प्ले में आप लोगों को 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है। और इसके डिस्प्ले में आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और 8GB का रैम मिलता है और अप टू 256GB तक का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को पीछे की तरफ 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में 32+8 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को 4500mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, विथ 33W फ्लैश चार्ज 2.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाया USB Type-C पोर्ट। और इसमें आप लोगों को फेस अनलॉक के साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप वीवो का V19 को खरीदना चाहते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको खरीद पाएंगे। नेक्स्ट सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का इस साल का यानी 2020 का जो गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होने वाला है, ये होगा 5 अगस्त को। और सैमसंग ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था कि सैमसंग उनके 5 पावरफुल डिवाइसेस को इस साल के गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च करने वाला है। और अभी सैमसंग का जो इस साल का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होने वाला है, इसका एक टीजर वीडियो को सैमसंग ने शेयर किया है। और ये जो सैमसंग का 5 डिवाइसेस लॉन्च होने वाला है, उनको अनक्लियरली इस टीजर वीडियो में सैमसंग ने दिखाया है। ये जो सैमसंग का टीजर वीडियो है, इससे पता चलता है ये जो सैमसंग का 5 डिवाइसेस लॉन्च होने वाला है, ये होगा सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स लाइफ, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज, सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का 7000, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2। आप मेरे इस साइड में यूज़ देख सकते हैं जो 5 डिवाइसेस सैमसंग लॉन्च करने वाला है, उनको जो अनक्लियरली दिखाया गया था टीजर वीडियो में उसको। और बताया जाएगा जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज होगा, इसमें आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी नोट 20, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, ये 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 सीरीज होगा, इसमें आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 और सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस, ये दोनों टैब्स देखने को मिलेगा। तो जब 5 अगस्त को सैमसंग उनके इन 5 डिवाइसेस को गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च कर देगा, तब मैं आप टेक न्यूज़ आप लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे नेक्स्ट है गूगल की तरफ से। जॉन प्रोसन नाम के टिप्स्टर ने ट्वीट करके बताया है गूगल पिक्सल 4 स्मार्टफोन 3 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। लेकिन अभी तक कुछ गूगल ने ऑफिशियली डिटेल्स शेयर नहीं किया है गूगल पिक्सल 4 के बारे में।
और पहले मैंने अपने एक टेक्नोलॉजी आप लोगों को बताया था, गूगल पिक्सल 4 स्मार्टफोन को गूगल के कनाडा स्टोर के ऊपर स्पॉट किया गया है। और वहाँ से हमें पता लग रहा था इसमें आप लोगों को एक मैट ब्लैक कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इसके बैकसाइड में आप लोगों को स्क्वायर शेप कटआउट के अंदर सिंगल रियर कैमरा मिलेगा विथ LED फ्लैश, और इसमें आप लोगों को रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। और इसके फ्रंट में आप लोगों को 5-6 डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और इसमें आप लोगों को फ्रंट में सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और रूमर से पता चल रहा है, शायद से आप लोगों को गूगल पिक्सल 4 स्मार्टफोन में 5.8 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और इसमें आप लोगों को साइड एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि इसमें आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा विथ एड्रीनो 618 का GPU। और बताया जा रहा है कि इसमें आप लोगों को 6 GB का रैम मिलेगा, और उसके साथ 64 GB और 128 GB ये दोनों इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि इसमें आप लोगों को 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एक और रिपोर्ट से पता चल रहा है जो गूगल पिक्सल 4 का 64 GB वाला वेरियंट होगा, इसका प्राइस होने वाला है $299, यानी कि इंडियन रुपीस में अराउंड 22,400 रुपीज़ के आसपास। और बताया जा रहा है कि जो 128 GB वाला वेरियंट होगा, इसका प्राइस होगा $349, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 26,100 रुपीज़ के आसपास। तो देखते हैं क्या 3 अगस्त को गूगल पिक्सल 4 स्मार्टफोन लॉन्च होता है या नहीं। तो अगर 3 अगस्त को गूगल पिक्सल 4 स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा, तब मैं अपने रिव्यूज में आप लोगों को इसके बारे में साइड डिटेल्स दे दूंगा। हमारे साथ रिव्यूज है एप्पल की तरफ से। डिजिटल चेस स्टेशन नाम के एक टिप्सटर ने वीवो के ऊपर बताया है जो अपकमिंग आईफोन 12 आने वाला है, इसका जो बेस वेरियंट होगा इसमें आप लोगों को 5.4 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और डिजिटल चेस स्टेशन ने एक इमेज को भी शेयर किया है वीवो के ऊपर, जिसमें आप इसी आईफोन 12 का जो बेस वेरियंट है, जिसमें आप लोगों को 5.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, उसका जो फ्रंट पैनल है उसको देख सकते हैं। उसके साथ इसके फ्रंट पैनल में आप लोग ऊपर की तरफ एक बड़ा सा नॉच देख सकते हैं, जैसा हमें आईफोन 11 के वक्त में देखने को मिला था। इसके अलावा मैंने अपने 46 नंबर टेक्नोलॉजी आप लोगों को बताया था, आई हैक टू प्रो नाम के एक टिप्सटर ने बताया है 8 सितंबर और 27 अक्टूबर इन दोनों डेट पे एप्पल का 2 इवेंट होने वाला है। और आई हैक टू प्रो ने यह भी बताया था जो 8 सितंबर का इवेंट होगा उसमें एप्पल उनका 5G आईफोन 12 का सीरीज़ को लॉन्च करने वाला है, लेकिन अभी तक एप्पल ने ऑफिशियली उनके इन आईफोन 12 सीरीज़ या फिर आईफोन 12 को लेके कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं किया है। जब भी फ्यूचर में आईफोन 12 को लेके कोई और डिटेल्स शेयर आएगा, मैं अपने टेक्नोलॉजी आप लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा। न्यूज़ है नुबिया की तरफ से। नुबिया के प्रेसिडेंट नी फेई ने नुबिया रेड मैजिक TWS गेमिंग ईयरफोन्स को चाइना में अनाउंस कर दिया है वीवो के ऊपर एक पोस्ट करके, और इस पोस्ट में एक शॉर्ट वीडियो रेंडर को भी दिखाया गया है, जहां से हमें इन ईयरफोन्स के ऊपर का जो LED लाइट है, उसके साथ इन ईयरफोन्स का जो चार्जिंग केस है उसके ऊपर जो LED लाइट मिलता है उसके बारे में पता चलता है। लेकिन इन TWS ईयरफोन्स का जो चाइना में अवेलेबिलिटी है या फिर इंडिया लॉन्च है, इसके बारे में अभी तक कोई भी डिटेल्स पता नहीं चला है। इसके अलावा बताया गया है इसमें आप लोगों को लो लेटेंसी ऑडियो ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, और अगर आप नुबिया के स्मार्टफोन के साथ इन ईयरफोन्स को यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ 39 मिलीसेकंड का लेटेंसी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को गेमिंग के मामले में। इसके अलावा कोई और डिटेल्स इन ईयरफोन्स के बारे में अभी तक निकल के नहीं आया है। तो जब भी फ्यूचर में नुबिया रेड मैजिक TWS गेमिंग ईयरफोन्स के चाइना में अवेलेबिलिटी को लेके या फिर प्राइस को लेके या फिर इंडिया लॉन्च को लेके कोई भी डिटेल्स निकल के आएगा, मैं अपने टेक्नोलॉजी आप लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा। इश्यूज है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट ने उनके फ्लिपकार्ट क्विक को लॉन्च कर दिया है। ये जो फ्लिपकार्ट का क्विक है, ये एक 90 मिनट्स का फास्ट डिलीवरी सर्विस है, जिसमें अगर आप स्टेशनरी, ग्रॉसरी, मीट, डेयरी के जैसे 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का एक रेंज में से किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते इस फ्लिपकार्ट क्विक सर्विस के थ्रू, तो आपको वो प्रोडक्ट सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर डिलीवर हो जाएगा। और ये जो फ्लिपकार्ट का क्विक है, इसका जो मिनिमम डिलीवरी फी है वो है सिर्फ 29 रुपीज़। और ये जो फ्लिपकार्ट क्विक है, ये अभी फिलहाल बेंगलोर के कुछ लोकेशंस में ही अवेलेबल है, और बताया गया है ये आने वाले कुछ महीने में इंडिया के और भी 6 सिटीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। तो जब भी फ्यूचर में फ्लिपकार्ट क्विक के बारे में कोई भी और डिटेल्स निकल आएगा, मैं आप टेक आप लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा। तो हमारा आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद उसे हाईवे जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में पता चले। और जितने भी प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उन सभी का प्राइस कभी कभी वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी कर सकता है, और कलर और वेरियंस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो ज़रूर खरीदने से पहले रिसर्च कर लीजिएगा, और बाहर जो कोरोना वायरस को लेकर सिचुएशन है उसमें अपने घर में ही रहिए और सेफ रहिए, और अगर किसी भी जरूरी काम से बाहर निकलते तो ज़रूर मास्क पहनिए। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी पॉजिटिव एंड हैप्पी।